नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऑक्सिलरी पावर यूनिट यानी एपीयू के बारे में। इसके यूजेस कहाँ हैं, एयरप्लेन के अंदर कहाँ लगाया जाता है, साथ ही यहाँ पर जितने भी मिलिट्री के टैंक्स होते हैं, साथ ही यहाँ पर जो है नेवल शिप्स होती हैं, स्पेस शटल के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है एपीयू का, और एजीपीयू यानी ऑक्सिलरी ग्राउंड पावर यूनिट होती क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कभी अगर आपने एयरप्लेन से ट्रैवल किया हो या फिर आगे कभी ट्रैवल करने का प्लान हो, तो मेरे हिसाब से आपका कुछ इस तरीके से एक्सपीरियंस रहा होगा, जहां पर हम जो है सबसे पहले एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, टिकट कलेक्ट करते हैं, फिर बस में बैठते हैं, और बस में बैठने के बाद हमको वहां पर जो हमारा एयरक्राफ्ट पार्क होता है वहां पर जो हमको बस ड्रॉप करती है। लेकिन जैसे यहां पर जो हम बस से उतरते हैं, दरवाज़ा खुलता है, यहां पर आपको कुछ इस तरीके से आवाज़ सुनाई देती होगी, एक नॉइज़। तो बेसिकली नॉइस होती किसकी है, किन इंजन्स की होती है? अब जैसे आप कहें तो ये जो है बेसिकली एयरक्राफ्ट की इंजन्स की आवाज़ होती है, लेकिन नहीं दोस्तों, बेसिकली जब भी हमारा एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पर पार्किंग कंडीशन में होता है, जब भी पार्क होता है, तो उस टाइम जो है उसके जेट इंजन यानी जो मेन इंजन्स होते हैं वो बंद होते हैं। तो अभी आवाज़ होती किसकी है? जी हाँ दोस्तों, ये आवाज़ बेसिकली होती है APU यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट की। अब मैं कहूँ आपको, यहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट होते हैं, जितने भी कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं, जितने यहाँ पर जो कार्गो के एयरक्राफ्ट होते हैं, यानी कुल मिला के ओवरऑल हैवी यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं, वहाँ पर जो है APU का इस्तेमाल किया जाता है। अब बेसिकली APU जो है यहाँ पर हर एक एयरक्राफ्ट के यहाँ पर जो है टेल सेक्शन में, यानी कह सकते हो लास्ट में यहाँ पर जो लगे हुए होते हैं, जहाँ पर कुछ इस तरीके से अंदर यहाँ पर जो है इस तरीके से सेटअप होता है। अगर मैं कहूँ नॉर्मली हम जैसे एयरपोर्ट के अंदर बैठे रहते हैं, मतलब मान लीजिए सामने हमारा यहाँ पर जो है एयरपोर्ट है, पूरा रनवे आपको दिख रहा है, जहाँ पर मतलब पार्किंग में यहाँ पर जो हमारा कोई भी एक एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है, और बेसिकली आप देख सकते हो लास्ट में यहाँ पर जो है APU लगा हुआ है, और बेसिकली लास्ट में आप देखते होंगे इस तरीके से एक होल होता है, जहाँ पर मतलब आपको कुछ गर्म गर्म हवाएं निकलती हुई दिखेंगी, मतलब उस टाइम जो है यहाँ पर APU वर्क कर रहा है, समझ रहे हैं? यानी APU का काम क्या होता है, सबसे पहली चीज़ वो हम समझते हैं। बेसिकली यहाँ पर जब भी हमारा एयरक्राफ्ट पार्किंग में खड़ा होता है, फिर टेक ऑफ से पहले, यहाँ पर जितना भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो हमारे एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूजलाज होता है, उसके अंदर एयर कंडीशनिंग AC समझ रहे हैं, दूसरा यहाँ पर जितने भी हमारा लाइटनिंग सिस्टम होता है, जब भी हम केबिन टू को हेल्प के लिए कहते हैं, या फिर फूड या फिर पानी कोई भी चीज़ होती है, तो हम कंट्रोल से कंट्रोल करते हैं, वो सारा यहाँ पर जो है जो भी APU से कंट्रोल होता है। यानी APU काम क्या है, कुल मिला के यहाँ पर जो है 115 वॉट 400 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। यानी APU को आप कुल मिला के एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर बोल सकते हो। जब यहाँ पर हमारे इंजन्स बंद होते हैं एयरक्राफ्ट के, उस टाइम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम APU करता है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर जब भी कॉकपिट के अंदर जितने भी आप देख सकते हो, वहाँ पर जितने भी मीटर्स होते हैं, पैनल होता है, पूरा सिस्टम होता है, कंट्रोल सिस्टम, वो सारा यहाँ पर जो है APU पे काम करता है। और दोस्तों तीसरी चीज़, जैसे मान लीजिए अगर पैसेंजर सारे अंदर आ चुके हैं, एयरक्राफ्ट पूरा पैक हो चुका है, तो यहाँ पर रेडी हो चुका है टेक ऑफ करने के लिए, और यहाँ पर जो है रनवे पे खड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो है इंजन्स को स्टार्ट करने के लिए, यानी जो मेन इंजन से विंग्स के नीचे लगे हुए उनको स्टार्ट करने के लिए APU से बेसिकली एक गेयरबॉक्स कनेक्ट होता है। वो गेयरबॉक्स जो है यहाँ पर हमारे मेन इंजन के टर्बाइन से कनेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर जो है APU उन गेयरबॉक्स को स्टार्ट करता है, गेयरबॉक्स जो है उस टर्बाइन को स्टार्ट करता है मूव करना, जिससे जो है हमारे यहाँ पर एयरक्राफ्ट स्टार्ट हो जाता है, फिर जो है APU बंद हो जाता है। जैसे ही हमारा एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पर टेक ऑफ कर लेता है, वो मतलब पूरी फ्लाइट के बीच में वो APU बंद रहता है, और इन केस इमरजेंसी APU का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो मैं कहूँ फ्यूल, तो बेसिकली यहाँ पर जो है जो विंग्स के अंदर फ्यूल होता है, जो मतलब मेन इंजन के लिए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, बस सेम फ्यूल उसी के अंदर इस्तेमाल करते हैं जो APU के अंदर होता है। बस आप कह सकते हो APU एक टाइप ऑफ जेट इंजन या फिर टाइप ऑफ गैस टर्बाइन इंजन कह सकते हो, जो बेसिकली इस तरीके से कुछ एयर इनटेक करता है, एयर अंदर सक करता है, और कुछ आप देख सकते हो, आपको बताया मैंने कि इस तरीके से एग्जॉस्ट, यानी लास्ट में यहाँ पर जो है इसके टेल सेक्शन में इस तरीके से जो है यहाँ पर एग्जॉस्ट इसका होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें इसका यूज़ ये होते हैं, यहाँ पर APU का इस्तेमाल ये होता है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें कुछ प्राइवेट जेट्स होते हैं, कुछ प्राइवेट एयरक्राफ्ट होते हैं छोटे मोटे, और मान लीजिए कुछ छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं, उनके अंदर ये APU कहाँ होता है? दोस्तों बेसिकली उनके अंदर यहाँ पर जो है APU नहीं होता है, बेसिकली वहाँ पर जो है यहाँ पर AGPU यानी ऑक्सिलरी ग्राउंड पावर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। अब APU के आने से पहले यहाँ पर जो है हम AGPU का इस्तेमाल करते थे, और उनका इस्तेमाल बंद क्यों कर दिया? बेसिकली ये बहुत कॉस्टली होते हैं, यहाँ पर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती हैं, और मतलब ओवरऑल यहाँ पर जो है वेस्टेज भी बहुत होता है, तो इनको बंद कर दिया। अब बेसिकली यहाँ पर जो हर एयरक्राफ्ट के अंदर APU है, तो मतलब कोई दिक्कत आती नहीं है, खुद का मतलब यहाँ पर जो है जनरेटर साथ में ले घूमते हैं। एंड दोस्तों बात की जाए AGPU की, तो AGPU आपको यहाँ पर जो है हर एक एयरपोर्ट में देखने को मिल जाएंगे, जो कुछ इस तरीके से होते हैं, जहाँ पर मतलब कुछ कुल मिला के ओवरऑल हमको एक प्लग कनेक्ट करना होता है एयरक्राफ्ट के अंदर, जो पूरे एयरक्राफ्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ पर जो है सप्लाई कर देता है इजीली।
लेकिन दोस्तों अब जो है यहाँ पर मतलब स्मॉल एयरक्राफ्ट प्राइवेट जेट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, बाकी बड़े जितने भी एयरक्राफ्ट हर के अंदर आपको एपीयू देखने को मिलेगा। मतलब मेरे हिसाब से 99% जो है आजकल हर कोई यहाँ पर जो है एपीयू का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर जितने भी स्पेशल्स होते हैं जब भी मतलब वो एटमोसफेयर के अंदर री एंटर कर रहे हो साथ ही एसेंड कर रहे हो, तो उस टाइम जो है यहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेशर को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर एपीयूज का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। करीबन 3 से 4 एपीयूज होते हैं वहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर मिलिट्री टैंक्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब हाई पावर प्रोड्यूस करने के लिए, हाई इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि हाई फ्यूल कंजप्शन हो पाए। और दोस्तों साथ ही यहाँ पर नेवल शिप्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं हाई इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। और ओवर मतलब यहाँ पर जो है और भी पर्पसेस के इसका इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं, बड़े बड़े विमान हैं, जैसे कि बोइंग 747, A380, जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पर हजारों से ज़्यादा लोग यहाँ पर जो ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है, इतने बड़े बड़े विशाल का इंजन्स को, मेगा इंजन्स को यहाँ पर जो स्टार्ट करने होते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत पावर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड दोस्तों यहाँ पर SOFC भी रिसर्च चल रही है, यानी आप कह सकते हो सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स की, जो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन डिवाइस है, जहाँ पर होगा क्या बेसिकली मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे डायरेक्टली हम फ्यूल को ऑक्सीडाइज करने के बाद। यानी ये भी बहुत अच्छा डिवाइस है, जहाँ पर कॉस्ट भी बहुत कम आएगी, मेंटेनेंस भी बहुत कम है, बस एक ही डिसएडवांटेज है यहाँ पर, जहाँ पर इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो यही दिक्कत है एक। एंड दोस्तों यहाँ पर जो है ओवरऑल मतलब हर एक एयरक्राफ्ट के अंदर यहाँ पर जो है एपीयूज का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, कंट्रोल सिस्टम को वर्क करने के लिए, और साथ ही मेन इंजन को स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों ये था आज का वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी।